क्या हालचाल बैक बेंचर्स, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई मेरे को भी बताने दे यार, ऐसे मत कर, हम भी बता। अच्छा बता फिर अपनी नॉलेज है। तू भाई YouTube पे कैसे से पैसा आता है? YouTube से आता है सब्सक्राइबर से। देखो भाई इस लौंडे की बात पे भरोसा मत करना, ठीक है? इस लौंडे की करो, YouTube पे आता है एड से पैसा, ठीक है? हाँ इसमें आगे भी सब कुछ दिखाएंगे, तो अगर आपको आगे देखना है तो पहले इंट्रो देखो, फिर आगे वार्तालाप करते हैं। शिव, तो क्या हाल चाल बैक बेंचर्स? देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक के लिए आए हो, वही चीज़ देखने आए हो जो मैं थंबनेल में लगाई है, तो आपका जवाब इस टाइमिंग पे है, ठीक है? और लेकिन एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो ना तो थोड़ी नॉलेज मिलेगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर देना, ठीक है? और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरा चैनल है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, बाइक राइडिंग और ट्रैवल के ऊपर। हालांकि बाइक राइडिंग और ट्रैवल तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो खाली अभी इन्फॉर्मेशन ही चल रही है। हाँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि YouTube की जो इनकम होती है ना, वो खाली सब्सक्राइबर, खाली क्या कहते हैं, व्यूज़ या फिर लाइक शेयर कमेंट, YouTube पे कुछ भी इन चीज़ से मैटर नहीं करता। खाली इनकम के मामले में कितने सब्सक्राइबर है कुछ नहीं पता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने व्यूज है कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने वो है शेयर हुए हैं, कितने कमेंट्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? फर्क किस चीज से पड़ता है कि आपके जो वीडियो है उस पर कितनी बार लोगों ने एड देखा। YouTube की इनकम जो है खाली इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आपकी वीडियो पे कितने जिन्होंने एड्स देखा, ठीक है? और जो एड्स देखते हैं ना, मतलब कुछ जिसने, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे ऐड दिखाना है अपने कोई प्रोडक्ट का, जैसे मैं कोई खाना, मेरे को जैसे जोमेटो फॉर एग्जांपल ले लो, मैं जोमेटो से हूँ और मेरे को जोमेटो की ऐड दिखानी है यूट्यूब पे, ठीक है? तो मैं जाऊँगा गूगल एडवर्ड पे, वहाँ बोलूँगा कि भाई मेरे को यूट्यूब पे ऐड दिखानी है, हाँ एडवर्ड पे, जो कि मेरे को ऐसे प्रमोशन करना है, तो वो यूट्यूब पे चलाएगा ऐड, ठीक है? और जैसे अगर YouTube पे आप चला रहे हैं और आप एक क्रिएटर हो, आपने वीडियो बनाई, आपकी वीडियो पे किसी ने एड देखा, तो जो एड का जो एक व्यू का जो पैसा है, जो एक व्यू देखने पे पैसा लिया जाता है एड वाले से, जो एड दिखवा रहा है अपनी, तो उसमें से कुछ कमीशन YouTube रख लेता है, बाकी सारा देता है आपको। जब तक इसका करते हुए पूरे $100 नहीं हो जाते, तब तक आप निकाल नहीं सकते पैसे अपने एडसेंस अकाउंट से। हाँ यूट्यूब एक खाली फेस है वीडियोस दिखाने का, उसके पीछे जो इनकम है वो पूरा गूगल संभालता है, ठीक है? और हालांकि यूट्यूब भी गूगल का है अगर आपको नहीं पता तो, इनकेस, ठीक है? तो क्या होता है कि गूगल एडसेंस में अकाउंट बनाने के बाद आपको वहां से लिंक करना पड़ता है। जब तक आपके इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, आपके 1000 फॉलोवर होने चाहिए और 240K मिनट्स होने चाहिए, तब जाके आपके चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद जो पैसा आता है वो आपके आता है एडसेंस अकाउंट में, ठीक है? एडसेंस अकाउंट में जब तक $100 नहीं हो जाते तब तक आप पैसे निकाल नहीं सकते। कोई ज़्यादा कमाती है, कोई वीडियो कम भी कमा सकती है, वो क्या वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है यार, रेट कितना है। और जैसे इंडिया में जो क्रिएटर है उसको कम पैसे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि जो ऐड दिखाता है वो YouTube को कम पैसे देता है, YouTube फिर आपको कम पैसे देती है, क्या कर सकते हैं? हालांकि बाहर तो ज़्यादा होता है, हालांकि मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि कोई बंदा अपने YouTube पर इनकम रिवील कर रहा था। अगर कोई स्ट्राइक वाइक आया तो बचा लेना। आपको लेके चलते हैं लैपटॉप पे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हो, लैपटॉप पे मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब वॉइस ओवर भी दूंगा, हालांकि इधर कहीं आ रहा आएगा, ठीक है? वहां से बताता हूँ कि कितना कितना क्या क्या सिस्टम होता है, कितने पे क्या मिलता है। चलो एंगल चेंज। शिव, तो क्या हाल चाल एडवेंचर्स? हाँ मैंने बोला था कि सैनिटाइजर एंगल चेंज करने के लिए, पर मैंने वो पूरा चेंज कर लिया। एक्चुअली मेरे को ऑफिस ही आना था किसी काम से, तो मैं सोचा क्यों ना काम भी हो जाएगा
और यहाँ पे लैपटॉप के साथ हम आपको बता भी देंगे कि क्या चीज कैसे होती है। बाल थोड़े लंबे हो रहे हैं क्या? तो ये हमने यूट्यूब खोला, वैसे मास्क में एनिमेशन भी बनाई थी, तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आ रहा होगा, देख लेंगे, अच्छी थी यार, पूरा वीडियो भी देख सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं क्रिएटर स्टूडियो की तरफ, यूट्यूब स्टूडियो। इसके बाद हम जाएंगे एनालिटिक्स की तरफ। इसको मैं कर देता हूँ लाइफ टाइम। हाँ, तो लाइफ टाइम के जैसे आप देख रहे हो जो मेरे व्यूज हैं वो 663K है ऑलमोस्ट, मोटा मोटा, ठीक है। और इसमें रेवेन्यू है कुछ इतना। अब हम रेवेन्यू पे चलते। रेवेन्यू हमको मिला है 663K पे $126.14। अब इसको भाई जैसे मैंने देखा, मेरे को अभी रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो $126 एस्टिमेट लगा लो यार, $126, ठीक है। हालांकि कम ही आता है, पूरे रेट से नहीं मिलता है, और जिनको समझना था वो समझ चुके हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, मेरे को चैनल बंद नहीं करवाना साफ सीधी। तो अगर मैं ढंग से मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ तो अब तक की मेरी 8600 मोटा मोटा, अगर मैं व्यूज़ के हिसाब से एवरेज देखता हूँ, वैसे देखना नहीं चाहिए, ठीक है, व्यूज़ के हिसाब से अगर एवरेज भी लगाते हैं 77 व्यूज़ पे ₹1, मोटा मोटा ऐसे ही हिसाब होता है, ठीक है। चलो, हमारे भी घर जाने का टाइम हो गया, काम तो था थोड़ा वो निपट लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो मैंने काफ़ी रिस्क लिया है, जो मेरे राइवल है थोड़े छोटे छोटे, उनको भी क्या पता, मेरे ख्याल से तो मेरे को लगता है जो देखते हैं कुछ ना कुछ हेटर्स भी मिल रहे हैं, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इतनी स्पीड पे नहीं पर फिर भी, तो थोड़ा रिस्क लिया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता है, ठीक है। आई होप आपको एनिमेशन भी अच्छी लगती है, छोटे छोटे डालता हूँ, एडिटिंग और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे क्वालिटी अभी बेकार है, मेरे को पता है क्योंकि मैं फ़ोन से करता हूँ, ठीक है। अब खुलेगा तो कैमरा लेने की कोशिश रहेगी, ठीक है। चलो, दास विदानियस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।